यार मेनू ना तेरे सवेर दे लिस्से जे लगी जाने, मैं थोड़े लिए केक बनाने लगी हूँ एक्स्ट्रा बटर बाकी। अब वो इसे अपने स्पेशल अंदाज में मिक्स करेंगे। लुक लुक हम उन्होंने कर दे खिला दे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज डे 2 है, नेक्स्ट डे है। ओके, नया दिन है, नई शुरुआत है। ऑलमोस्ट हमारे लंच का समय हो चुका है। मैं रेडी हूँ दिन के लिए और मैं खाने वाली हूँ लेफ्ट ओवर पिज्ज़ा की एक स्लाइस एंड हिम्मत खाएगा एग एंड ब्रेड एंड डैडी ने कुछ भी खाने से मना कर दिया, कह रहे कि मुझे अभी भूख नहीं है। सो यस, यहीं से शुरुआत करते हैं दिन की। ओके दोस्तों, तो आज के 2 बज चुके हैं ऑलरेडी। अर्लियर हमने कुछ भी नहीं खाया, कल का बचा हुआ पिज्जे की एक स्लाइस खा लिया। तो मैं सोचती हूँ कि मैं लंच में बना लूँ सांबर। सो मेरे पास ये तूर दाल है, 1 कप तूर दाल को बॉईल करते हैं और इसको बनाएंगे, हम सांबर में कन्वर्ट करेंगे। डिलीशियस। वैसे मैं तूर दाल नॉर्मली खाती नहीं हूँ, पर ये सांबर के चक्कर में हम ये खाएँगे। सो लेट्स मेक सांबर। ओके, सो मैंने दाल इसमें रख दी है और इसमें मैं थोड़े से राइस बना लूँगी ताकि जल्दी सब कुछ हो जाए। तो सीटी बजनी शुरू हो चुकी है। सो हमारा सांबर रेडी है। अब मेरे पास बहुत ज़्यादा सब्जी नहीं है, मैंने पर फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल डाली है इसमें, गाजर, कॉर्नस एंड बीन्स एंड आलू। सांबर रेडी है, राइस भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो हम खाएँगे सांबर राइस। एक्चुअली मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई हूँ, फिर मैं फ्यूचर में जब भी कुक करूँगी आपके साथ ज़रूर से रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत अच्छा बनता है। मुझे लगता है मैंने दूसरी या तीसरी बार बनाया, पर अच्छा ही बना है। सो यस, ओके, सो हमारा लंच हो चुका है एंड डैडी इज स्टिल देयर एंड डैडी इज हैविंग अ वेरी बैड हेडेक, ही सेड, एंड डैडी इज गोइंग टू रिलैक्स नाउ एंड डैडी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। डैडी लूडो प्ले करिए। सो मैंने बनाया नाचो, इसको 10 मिनट्स के लिए ओवन में रखा था। इसमें मैंने काफ़ी कुछ डाला है। स्प्रिंग अनियन डालेंगे, गुआक भी बनाई है जिसका रंग थोड़ा अजीब लग रहा है पर इट्स ओके। सावर क्रीम भी है। हेलो दोस्तों, सो स्लीपी बाल है मेरे। हम दोनों जब ऊपर गए थे, मैं और हिम्मत, तो हमने सोने की कोशिश की। हिम्मत बहुत अच्छा सो गया और मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई। डिस्टर्ब का इनका नैप था, लाइक ड्रीम्स आते रहते, ख्याल आते रहते, वैसा था। और देन हम नीचे आए और उसके बाद हमने खाए हैं नाचोस, पर डिनर में क्या खाएं पता नहीं और इतनी भूख भी नहीं है। और हस्बैंड कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहे हैं। हस्बैंड तो रेसिपी का नाम किया Don't tell the ingredient, recipe का नाम किया बेल पेपर चिकन टिक्का। ओके, बेल पेपर चिकन टिक्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्होंने प्रोसेस शुरू किया था 7 o'clock, 9:30 हो रहे हैं। उम्मीद घट दिया, पता नहीं की करी आते, पैन में खी आते। मैं आपको दिखाती हूँ उनका व्यू भी। मैं देख रही हूँ मूवी और ये नाचो खा के मेरा टेड भर गया है और हस्बैंड देखते हैं, कह रहे कि ट्राई करना कि मैं क्या बनाता हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मेरा व्यू क्या है। बस बंदा इधरों दी इधर आ जाता, इधरों दी उधर, इधरों दी इधर, उधरों दी इधर, बस सही काम आ। हस्बैंड ने पैन से कितने तेल डाल लिया है ओके दोस्तों, ये चिकन ब्रेस्ट है और इसको हस्बैंड ने तंदूरी मैरिनेशन की किस्म का मैरिनेट किया है दही में, और अब इसे वो फ्राई करके इसको 72 घंटे का मैरिनेशन है। ये 72 घंटे मैंने धीमी आंच में पकाया है। And we don't have too much time. You sit here and tell your recipe yourself. लकड़ वाली कड़छी ले आके अपने हस्बैंड को कहे कि हाथ धो दो। गर्म है इसके मसाला। उंगली में चला ली थी तेल रे। ओके, हस्बैंड ने मुझे असिस्टेंट में डाल लिया है। बैम बैम बैम। और प्यारी डरन दियो है। दो पापा। अगले दिन में कल व्लॉग नहीं कर, और आज काले चने नेक्स्ट डे है। काले चने है मेरे पास और मैंने सोचा इसी के साथ परांठे खा लेती। अभी सुबह नहीं है, 1:30 बज रहे हैं। सुबह हमने चाय पी ली थी उठ के, और अब हम लंच कर रहे हैं। हमारा ब्रेकफास्ट लंच टुगेदर कर रहे हैं। तो यहाँ मैं परांठे बना रही हूँ। तैयार होके आई थी मैं, और हस्बैंड ने हैंड वॉश करके मेरे ऊपर ऐसे छिट्टे पा दिए, और मैंने ड्रेस पहनी थी वो सारी गिल्ली हो गई। सब मुझे कपड़े चेंज करने पड़े। अब मैं खाना कुक करके फिर से तैयार हो जाऊँगी। Daddy just took water everywhere and mommy shirt. Yes, guys. So I have approved. Daddy is crazy. So yeah, I'm making paratha. And guys, we have to save it from here. Oh no, he's coming! He's coming! Run! 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 And Kiki, because Kiki is there too. Oh, yeah. Oh, Shole. Mama, Kiki. Just pyaar ye. Tumhe khana hai. Nahi, throw water. He threw water on Kiki too. Guys, he threw water on Himmat's toy Kiki. Daddy is the scariest person in the house. Guys, we have to be careful. He's a monster, Daddy. Wild run. Hi, Mom. Can you see? अच्छा इधर नहीं paper. Mama, can you? चिट्ठियाँ ले रोटियाँ ले ले जाम. Oh yeah, wake up, Mom. कितना लगा. Mama, I want to do some do's. Do some scary do's. What's that? गाइस, हमने एक प्लान बनाया है। जब भी हम डैडी के पास से निकलते हम ऐसे कर जाएं। So, हिम्मत एंड डैडी का भोजन हो चुका है। अब मेरे भोजन की बारी आती है। उसके लिए हम बनाएंगे सुक्की रोटी, बट आई एम ईटिंग ग्लूटेन रोटी, बट आई एम मेकिंग श्योर नॉट टू ईट परोठी, नॉट टू ईट केवली रोटी, only sukhi roti. And guys, remember the rules I just show you. That's the funny rules. Why guys? Yeah. Okay, वो डैडी की न्यूज़ की बात कर रहा था, जो डैडी की न्यूज़ सुनाई है वो फनी थी ना। So yes, मम्मी की रोटी तैयार है, पर मम्मी आज खाएगी 2 रोटी, not 1 रोटी anymore. तो मम्मी सब्जी डालेंगे इस कॉली में। वैसे मैंने सोचा था कि पति की कॉली में खा लेंगे, पर जो मेरे पति हैं वो बहुत धीरे धीरे रोटी खाते हैं। तो जब तक मैं खा के भांडे मांझ के अगले मील तैयार करना पाऊँगी तब तक वो रोटी खाते रहेंगे। ओके, मजाक कर रही हूँ, पर ये बहुत बार हुआ है कि मैंने अपनी रोटी बना के खा के और बर्तन साफ़ करने शुरू कर दिए, तब तक वो खा रहे थे। ये हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। सो इसलिए अपनी सब्जी पालो परावो अलग से। और हिम्मत एक और परांठी लेना चाहेगा, उसने कहा है। सो ये परांठी मीमू की है, और मम्मी का दूजा फुल्का तैयार है। एंड मम्मी आराम से हिम्मत के साथ बैठ के टीवी देखते हुए अपने भोजन को ग्रहण करेंगी। ओके, पर मम्मी मेक श्योर करेंगी कि उनके रोटी पे कोई तेल ना हो। ये मम्मी मीमी की रोटी को सेपरेट कर देंगी, और मम्मी यहाँ पे नन्ना सा अचार लेंगी। नन्ना लेते मम्मी को बड़ा टुकड़ा मिल गया है क्योंकि नन्ना अंदर बचा नहीं है। सो ऐसे ही हम रोटी खा लेंगे। मम्मी अपनी प्लेट ले गया, अपनी परांठी ला ला, बिकॉज तुम्हारी परांठी की मेरी प्लेट में जगह नहीं है। बिकॉज आई नीड टू माई सब्जी अप देयर। ओ देख जाने, गुड जॉब हिम्मत। ऑलराइट हिम्मत। तो हिम्मत की रोटी को रिमूव करके मेरी सब्जी को जगह मिल गई है। चलिए एक बुल्की को ले अचार लगाएं, सब्जी में डबोएं और फूंक मार के ठंडा करें और मुंह में डालते ही आंखें बंद करके मज़ा लें, क्योंकि नहीं मैं तो दीवार रखना असली रदाई पला चल रहा है ना। सब्जी बढ़िया बनी के नहीं जब तू ही अपने मुंह जो गोगे मैं तो बकरा लपन देना बच्चों तरी बकरे वाली है ना। बस वे कामयाब पति ने क्या आया कि तरी बकरे दी तरी नु मात पांदी पईया। और की चाहिए? ऑलमोस्ट डन विद माय रोटी। Big adis still there because I'm full. I'm not gonna eat this, but I'm gonna eat this सब्जी। यार मैनू ना थोड़ी सवेद लिस्से जे लगी जाने, मैं थोड़े लिए केक बनाने लगी हूँ, एक्स्ट्रा बटर बाकी बिल्कुल प्यार ये तो बहुत पतली चीज हो गया, लगते मुंह देखते इन्ना जा चोई जिना हो गया। उठे मेरे को पासा मेरे को पड़ गया। मैं ऑरेंज केक बनाने लगी आज और मैं रेसिपी भी शेयर करने लगी और बार बर्फ पैन ला पिया। ओके दोस्तों मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ पर बहुत परफेक्शन के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ। आई डोंट नो व्हाई। सो मैंने अवन को प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है। 375 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हम करेंगे। ऑरेंज मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, इसका जो पील है वो पतला है तो इसलिए पील को भी यूज़ करके मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। और बटर एग शुगर इनको मैंने रूम टेम्परेचर में रखा है, एग को एंड बटर को, फिर ज़्यादा अच्छा बनता है। एंड एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स मैंने कैसे यूज़ करी हैं, कितनी करी हैं वो अमाउंट मैं रख दूँगी, लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वाइट ऑल पर्पज़ फ्लावर एंड शुगर वाइट क्योंकि इसे मिक्स करना आसान है, वैसे ब्राउन करें तो ज़्यादा अच्छा है। और बेकिंग पाउडर जो मैं यूज़ कर रही हूँ मैजिक बेकिंग पाउडर जो कि डबल एक्शन के साथ है, वनीला एसेंस यूज़ करूँगी मैं। सो शुरुआत करते हैं। फूड प्रोसेसर को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है, इससे मैं सिर्फ ये ऑरेंजेस को क्रश करने के लिए ही यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ आप सिर्फ हाथ से ही कर सकते हैं सारी चीज़ें। सो पहले ऑरेंज को काट लेते हैं। सो ऑरेंजेस को डालेंगे फूड प्रोसेसर के अंदर और सबसे पहले इसे क्रश कर लेंगे जितना बारीक हो सके। ओके सो ऑरेंज हो चुका है क्रश। अब सो इसमें अब मैं बटर एग एंड शुगर डाल के मिक्स करने वाली हूँ। ओके ये बटर ऐसे तरह इस तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें मैं अंडे डाल दूँगी 3, बड़े बॉल में निकाल के मैं सारी चीजें। ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब हम पैन पे बटर लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं, तो ये यूज करने वाली हूँ मैं। तो इसके साथ हम बटर कर लेंगे इसे। इसे कहते हैं मल्टी टैलेंटेड बंदा, इनू भी नहीं सुटिया इनू भी बटर डाल लिया। अब इसमें थोड़ा सा फ्लावर लगा देंगे चनन चनन चन। सो अब हम केक को रखेंगे इसके अंदर। अब हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट हो जाए, पर ये सीट्रसी होने की वजह से अजीब सा हो गया है। और हमारा ओवन हो चुका है गर्म। सो जितना पॉसिबली आप फ्लैट कर सकते हैं करें। जब लगता है आपको कि आपकी बास हो गई है तो इसे थोड़ा सा ज़मीन पे पटक के भी कर सकते हैं। तो काफ़ी परफेक्शन के साथ हमने करने की कोशिश की है। और अब हम इसे रखेंगे ओवन में। बाय दोस्त। ऑलराइट, लक दुखा लग रहा है मेरा। इसको बेक करने की कोशिश करेंगे, नॉट कोशिश, बेक करेंगे 44 मिनट्स के लिए। टाइमर ऑन कर देंगे, मैं हज़ारों बार आऊँगी देखने के लिए क्या हो रहा है। उसके बाद होपफुली अच्छा बनेगा। वेटिंग गेम ऑन होती है अब। और ये जो मैंने डिज़ास्टर फैलाया है किचन में, क्लीन करते हैं। गाइस केवल मम्मी धो रही। See, look at the cake. Yes, it's working. Watching your cake rise is like watching your baby doing something great in life. This is my wise word. मैं वेट कर रही हूँ मेरी केक के बेक होने की, और उसमें समय लगेगा आई थिंक अभी और 20 मिनट्स लगेंगे। और उन 20 मिनट्स में मैंने और हिम्मत ने गेम प्ले कर लिया है लूडो, एंड हिम्मत लूज एंड आई विन, एंड दिस टाइम मीमी लूज एंड आई विन। मेरी जिंदगी में मैं पहली बार लूडो जीती हूँ, वो भी मीमी से। सॉरी मीमी। एक्चुअली मैंने मीमी को ट्रिक भी किया था ताकि ये लूज ना करे, और वैसे हम बहुत पहले ही जीतने वाली थी मैं, फिर भी मैं ही जीती। दैट मीन आई एम अ लूडो एक्सपर्ट। एंड डैडी को लूडो खेलनी बिल्कुल नहीं आती है, और मैं और हिम्मत डैडी को हमेशा हरा देते हैं। और आज तक मैं जितनी बार भी लूडो खेली और डैडी जीतते हैं हमेशा। आई डोंट नो हाउ, मे बी ही चीट। वो तो चीट करते हैं जो लूडो खेलते सारे ना। सो या आई एम वेटिंग फॉर माई केक नाउ एंड आई एम गोना वॉच समथिंग। और मैं किचन को क्लीन नहीं किया है, थोड़ी सी जो चीज़ों में मैंने बैटर को मिक्स किया उसी को क्लीन कर लिया है, ताकि वो बाद में ड्राई होके और मुश्किल हो जाती है। और बाल ऑयली हैं, और आज मोस्ट प्रॉब्ली मैं सोने से पहले मेरे बालों को कलर करने के बारे में सोच रही हूँ, थोड़ा लाइक एंटरटेन हो जाऊँगी मैं। और अभी मेरे बाल वैसे वीडियो में ब्लैक दिख रहे हैं, वैसे इतने ब्लैक है नहीं, रियल लाइफ में ब्राउन हो चुके हैं काफ़ी। सो शायद मैं इनको ब्लैक कलर कर लूँगी। एंड आई एम वॉचिंग सम क्राइम शो ऑन इन्वेस्टिगेशन। ओके दोस्तों, मैंने केक को निकाल लिया है और हम चेक करेंगे हिम्मत की चॉपस्टिक के साथ। सो इट्स कुक्ड। अब हम इसे रख देंगे इसके ऊपर कूल डाउन होने के लिए। So this cake is almost ready. Are you excited? Okay प्यारे दोस्तों, हिम्मत मुझे कह रहा बार बार प्यारे दोस्तों क्यों बोल रहे हो। केक ऑलमोस्ट रेडी है, पर अभी भी क्या बोलते हैं, गरम है। काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बना है ये, और अभी इसकी वेट की जा रही है कि कब ठंडा होगा तो हम ग्रहण करेंगे। पर आई एम हैप्पी। सो आउटफिट चेंज कर लिया है मैंने दिन का तीजा चौथा, क्योंकि मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर क्लिक करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बहुत ही बड़ा टास्क है, क्योंकि मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। हिम्मत तो समटाइम कर देता है, पर वो मूड का ही है, लाइक उसका मूड करेगा तो करेगा, और वैसे भी हर टाइम उसकी पिक्चर इतनी अच्छी आती नहीं है। सो डैडी की पिक्चर्स भी मुझे बहुत अच्छी नहीं लगी, ही इज़ नॉट वेरी गुड फोटोग्राफर। क्लिक करने की कोशिश की है, अपलोड करूँगी मैं। और इसी के चलते ये बता देती हूँ कि अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्द से कर ले, वो है फ्री। और सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो या अब वो दोनों अपस्टेयर्स है, योगा कर रहे हैं। जब हस्बैंड योगा करते हैं तो हिम्मत उनको डिस्टर्ब करता है, या आई डोंट नो की करता है। और मैं डाउनस्टेयर हूँ। अभी डिसाइड नहीं किया है कि डिनर के लिए क्या खाएँगे। ये भी बड़ा बड़ा काम माँ कोई की खाइए। सो देखते हैं क्या खाएंगे। और बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज करके कहते रहते हैं कि मैं अपने प्लान्स आपके साथ शेयर करूं। मैं ज़रूर किसी वीडियो में शेयर करूंगी। और जो दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, वो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे लाइव है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ने की कोशिश करूँगी। हर बार मैं बोलती हूँ पर मैं भूल जाती हूँ बाद में लिंक करना। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब वीडियोज़ देखने वाली हूँ कुछ यूट्यूब पर। मुझे देखना क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे ओपरा की वीडियोस देखना अच्छा लगता है। यू नो, उसके जो बहुत सारे पुराने शोज़ हैं जिसमें वो इंटरव्यूज़ करती रहती थी किसी ना किसी लोगों की, जैसे कोई जिन्होंने कोई क्राइम किया हो, या कोई विक्टिम हो, या कुछ ऐसा। सो आज ये मेरी नज़र के सामने वीडियो आई है, ओपरा इंटरव्यू अ वुमेन विद 92 डिफरेंट पर्सनालिटीज़। सो ये देखने वाली हूँ मैं। और यूट्यूब पे मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देखती हूँ। मैं टीवी देखती हूँ, मूवीज़ देख लेती हूँ, या फिर टीवी पे इन्वेस्टिगेशन IDTV है जो, वो मुझे अच्छा लगता है। उस पर कोई ना कोई क्राइम स्टोरी आती रहती है। सो या अब ये वीडियो देखूँगी मैं पहले तो, फिर तब तक वो दोनों शैतान बंदे आ जाएंगे नीचे और फिर कुछ डिनर का प्लान करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जल्दी सो जाएं। अगर मैं और हिम्मत दोपहर में नैप ले तो हम जल्दी नहीं सोते हैं, पर अगर हम दोनों नैप नहीं लेते तो फिर हम जल्दी चले जाते हैं। बुग्गी जी आ गई है। यस मानो, कह तुम यस्टरडे की बात बता रही हो कि जब हम दोनों नैप करने के लिए गए थे। मैंने कहा कि यार और काइंड ऑफ भूख लगी है, और मेरे जो हस्बैंड है वो मेरे चाय के साथ ही नहीं है, और मैंने कल बता दिया था आपको। सो यार चाय नहीं। ओके फॉर डिनर हस्बैंड से कैमरा अंडा तुम ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा? दिस इज माई लाइफ, दिस इज योर लाइफ, यू आर अ व्लॉगर। ओके डैडी। ओके सो डिनर के लिए हमारे स्पेशल शेफ आए हैं कहीं से, रेडी स्टाइल नूडल बनाने की कोशिश में। और यस नन्हे से नूडल्स हैं हमारे पास। मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं है। सो मेनली ये पति परमेश्वर के लिए हैं। ओके, मैं भी ट्राई करूँगी। सो यस सारी चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं, अनियन, पेपर, कैबेज, रेड चिली। अब वो इसे अपने स्पेशल अंदाज में मिक्स करेंगे। लुक लुक उन्होंने करते करते खिला दे। नहीं, ही इज़ वेरी गुड। मानते नहीं है कुक करने के लिए, पर लास्ट टाइम उन्होंने कुक की थी तो बहुत अच्छे नूडल्स बने थे। हाँ जी नहीं, थोड़ा कर लो ना बर्न। ऑलराइट ऑलराइट, दिस ब्लू निकर गाइज डूइंग सम अमेजिंग स्टफ। और लाइन अप लगा है अजीनोमोटो सोया सॉस। अच्छे हजे ना पाओ जो नूडल्स पाने ना उत्ते थोड़ा पाना नूडल्स बहुत घट पाना नूडल्स। आर यू श्योर? क्रिस्पी नहीं करनी गोभी? क्रिस्पी है। चलो ना वो दे पालो सामान सोया सॉस। हाँ बहुत गर्म करते तो ये सड़ जाना। हम इनकी स्पेशल आएगी मिक्सिंग टेक्निक। ओ सारा दिन YouTube पे यही देखते हैं ये कितना भी करना। तीनों पे काम भी कितना है कितना साडा बॉम्बे चपाटी चपाटी कभी गए चपाटी नून चेक कर लो। सो यस हमारा डिनर तैयार है। ये हस्बैंड के लिए लेके जाएंगे हम। उनके द्वारा बनाया गया नूडल्स का डिनर। हेलो दोस्तों, सो आज का दिन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपने व्लॉग को एंजॉय किया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें यू गाइस आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनीथिंग। बाय।